एक कमेंट था उसपे जिसमें लिखा था बनाई क्यों नहीं है वीडियो, चुप हो जाना, और वो एक कमेंट दिल पे लग गया। Hi everyone, I'm Dolly Singh, a content creator, and today I'm going to talk about my mental health journey and how I discovered therapy. See, it won't be wrong for me to say that the life that I'm living right now is all thanks to people on the internet, people like you who watched my content and given me so much love. I mean, शुरुआत से लोग इतने sweet रहे हैं, people call me Didi all the time, which is so sweet and it makes me feel like I'm part of some big family, you know, that I never had. Of course, at the same time, there's the other side of the coin, जहाँ पे लोग कुछ random चीज़ें बोल के चले जाते हैं and you don't know what to do with it. कई बार जब कुछ बात दिल को लग जाती है ना, तो समझ में नहीं आता है कि रोना है, हंसना है, चीखना है, चिल्लाना है, मदद लेनी है. एक्चुअली मदद लेनी चाहिए. हेल्प ओके प्लीज इज अ ग्रेट मोटो टू जस्ट कैरी विद योरसेल्फ, कि याद रहे कि यार मदद ले लो, कोई शर्म नहीं है मदद लेने में. ऑलराइट और मदद लेने पे इतना फोकस मैं क्यों कर रही हूँ, लेट मी टेल यू, अपनी आप बीती बता देती हूँ. जब ऑब्वियसली इंटरनेट पे वीडियोस बनाने शुरू किए और यू नो हमेशा होप थी कि फेम मिले, पैसा मिले, व्यूज मिले और हेट ट्रोलिंग भी आएगा, बट क्या फर्क पड़ता है, राइट? ऐसा सोच के घुस गए, बट फर्क पड़ता है यार, इंसान हूं ना, दिल है, दिमाग है, लग जाती है चीजें. मुझे याद है 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है, स्वीट यू नो कॉमेंट्स आ रहे हैं, एक कमेंट था उस पर जिसमें लिखा था बनाई क्यों नहीं है वीडियो, चुप हो जाना, और वो एक कमेंट दिल पे लग गया. यू नो कभी कोई ऐसा कुछ बोल देता है, कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, वो चीज दिल पे लग जाती है, और फिर मैं सोच सोच के रोती रही, परेशान होती रही, सिर्फ नेगेटिव चीजें देख रही थी उसके बाद में अपने बारे में. पॉजिटिव तो मतलब देखना छोड़ दिया, बट आई वॉज वरिड, और इतना सारा सेल्फ डाउट था कि अब नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं कि उस पर सिर्फ पॉजिटिव कॉमेंट आए. ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है, बट मेंटल हेल्थ तो मेरा नीचे जा चुका था. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प. ऑब्वियसली इट वाज नॉट अ वन नाइट डिसीजन कि मैं सुबह उठी एंड आई वाज लाइक आज से मैं थेरेपी लेना शुरू कर दूंगी, बट इट वाज अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, लॉट ऑफ थॉट्स एंड यू नो सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, जिन्होंने बोला दैट आई शुड, टोल्ड मी अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, एंड आई थॉट कि यार वैसे भी ये थिक स्किन्ड होगी और ये ब्रेवरी वाला अवार्ड लेके तो कहीं जाना नहीं है, यू नो इट्स बेटर टू just find a solution to your problems, aur therapy shuru kiya. Of course starting mein it was an overwhelming experience kyunki tum literally nursery se shuru kar rahe ho, even understanding your own self and you know looking out for help can be difficult. aisa nahi hai ki you know you can have the best of contacts, friends, family, support, everything, but still just to make that one call it can be difficult. I remember I had the therapist's number in my contact for 1 year, एक पूरा साल मेरे पास वो नंबर पड़ा हुआ था, बट वो फर्स्ट फोन कॉल करने में मेरे अंदर इतनी हेजिटेशन थी, एंड आई थिंक वी ऑल फील दैट, वो होता है, सबको होता है. बट वैसे जिन लोगों ने ट्राई किया है उनको इतना तो पता होगा कि फाइंडिंग अ थेरेपिस्ट इज नॉट एन ईजी जॉब, ओके? लाइक इट्स बेसिकली लाइक यू टू फाइंड समवन दैट मैचेस योर वैल्यूज, योर आइडियाज, अंडरस्टैंड्स योर बैकग्राउंड, इट कैन बी रियली चैलेंजिंग. इन फैक्ट आई डोंट थिंक आई विल बी लाइंग व्हेन आई से दैट इट्स kind of like dating. मुश्किल होती है. And of course you can try finding a therapist through your friends and other contacts and लोगों का मदद लेके. But thankfully there are organizations now like the Mood Space that actually take care of these things for you. They help you find the right professionals, therapists for you, for your journey, whatever you're going through. And you know at a time when you don't know where to begin. So basically anything that helps you take that big leap. और अगर तुम थेरेपी लेना शुरू करोगे तो प्लीज ये मत सोच के जाना कि एक ही थेरेपी सेशन में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स उड़ा छू हो जाएंगी. ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ पर्सनल जर्नी दैट यू मेक. एक दिन तुम आंसर्स लेने जा रहे हो, फिर उन्हीं आंसर्स में से एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन निकल के आ रहा है, फिर उनमें से कोई एक डिस्कवरी निकल रही है तुम्हारे बारे में जो तुम्हें पता ही नहीं थी. यू डिस्कवर सो मेनी थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, बट आई थिंक द वन थिंग दैट इट कम्स डाउन टू इज दैट फर्स्ट स्टेप जो लेना ही पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी. मेरी लाइफ में आज भी वैसे ही कमेंट्स आते हैं, इनफैक्ट शायद ज्यादा आते हैं. दैट पॉट गर्ल 456 हैड सेड कि अरे यार ये फिर से अपनी गंदी वीडियोज लेके आ गई, अपनी गंदी सी शक्ल लेके आ गई. बट आई थिंक आई नो हाउ टू डील विद दीज कॉमेंट्स बेटर, आई नो हाउ टू प्रोसेस देम बेटर, एंड आई थिंक सीकिंग हेल्प हैज बीन एक्सट्रीमली एम्पावरिंग फॉर मी. एंड इफ यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, देन आई मस्ट टेल यू, टेक दिस एज a sign from the universe. It's time. Therapy! Okay, bye. Also, before I forget, please like, share, and subscribe.
to your own mental health today. See?